सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। अत्री के सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने डीएम से की मुलाकात, इसे हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टीम गया न्यूज़ ग्रुप। अत्री एक संवाददाता। अत्री, मोहाड़ा और खिजरसराय के आक्रोशित सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं ने बुधवार को डीएम से मुलाकात की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सहारा इंडिया के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जमाकर्ता की राशि की मैच्योरिटी हो चुकी है, यह राशि करीब 20 करोड़ है, लेकिन इसका भुगतान बहुत दिनों से लंबित है। खिजरसराय के फ्रेंचाइजी प्रबंधक ने वर्तमान समय में अपना कार्यालय छोड़ दिया है। वर्तमान में खिजरसराय कार्यालय मंडल, सेक्टर और रीजनल कार्यालय से संचालित हो रहा है। लोग अपने पैसे के लिए परेशान हैं। लोगों ने डीएम से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। कार्यकर्ता भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। स्थानीय लोग दबाव बनाते हैं कि पैसा आपके माध्यम से जमा किया है तो पेमेंट भी आप ही करवाइए। वर्तमान स्थिति में हम लोगों का जान माल का खतरा बना हुआ है। वर्तमान समय में हम लोगों के दिए गए आवेदन पर जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें। डीएम से मुलाकात करने वालों में रंजीत कुमार, मनीष कुमार, राजकुमार सिंह, पप्पू कुमार, सुधांशु कुमार, मोहम्मद कासिम, रामानंद प्रसाद एवं सभी कार्यकर्ता व जमाकर्ता शामिल थे। वजीरगंज सीओ पर मारपीट का लगाया आरोप। वजीरगंज अंचल कार्यालय के अंदर सीओ द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत 75 वर्षीय अरविंद सिंह ने की है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भूमि परिमार्जन के लिए वे पिछले 2.5 माह से अंचल का चक्कर लगा रहे हैं। इसकी जानकारी मांगने पर सीओ पुरुषोत्तम कुमार आपाक हो बैठे और मारने के लिए टूट पड़े। वृद्ध अरविंद सिंह ने बताया कि वे बाईपास सर्जरी के मरीज हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया। शून्य वहीं सीओ पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि वे महिला राजस्व अधिकारी एवं अन्य स्टाफ के साथ अभद्रता से पेश आ रहे थे। जबरन दस्तावेज से ज्यादा प्लॉट चढ़ाने को कह रहे थे। उनका 32 प्लॉट को अपडेट किया जा चुका था, लेकिन 2 प्लॉट के दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा जा रहा था। इस पर वे उग्र हो गए। उन्हें केवल कार्यालय से बाहर किया गया, बाद में आने को कहा गया है। मारपीट का आरोप बेबुनियाद है। अगला लेख पिकअप वाहन। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।